अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मरीना की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम करने जा रहे हैं, आज के इस ब्लॉग में हम करने जा रहे हैं एक चैलेंज, और वो चैलेंज है, टाइटल देख के तो आपको पता चल ही होगा, इतने तेज तो अब आप लोग भी हो गए हैं। तो आज का चैलेंज है आई ईट वाइट फूड फॉर 24 आवर्स, यानी कि मैंने पूरा दिन में सिर्फ वाइट फूड खाना है। और मैं इस चैलेंज के लिए खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना कि वाइट क्या क्या चीज़ मिलेगी घर से, क्या बाहर से लाना पड़ेगा और बनाकर खाना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आज सुबह के बज रहे हैं 8, और फिर सुबह के 8 बजे ही मेरा ये चैलेंज कम्प्लीट होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है दी? तो चलें, तो स्टार्ट मैं कर रही हूँ दूध से, क्योंकि दूध है वाइट। और वैसे तो ये होता है कि अगर मैं सुबह उठूँ ना तो मैं एक कप चाय लाजमी पीती हूँ, क्योंकि कड़क चाय का और मज़ा है। दूध भी हेल्दी है, सेहत के लिए अच्छा है, पर चाय की बात चले, आज स्टार्ट करते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए दलिया। क्या आपने देखा कि मैंने ये दलिया ही है ना, और इसको मैंने बनाया क्योंकि ये भी वाइट फूड में ही आ गया है। और ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं सिखा लूँगी, क्योंकि 11 बज रहे हैं, मुझे पता नहीं शदीद सी भूख लग रही है, शायद मैंने नाश्ता नहीं किया इस वजह से। अच्छा, और सच्ची मैंने आप लोगों को कहना ये था कि अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक रेड फूड चैलेंज नहीं देखा ना, तो आपने कुछ भी नहीं देखा। और आप चाहें जल्दी से मेरा रेड फूड चैलेंज देखें, क्योंकि वो बहुत मज़े का था सच। उसके बाद तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मैंने इतना रेड खाया था, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मैं 10 सेकंड देती हूँ, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, होना तो 2 मिनट में है। ये साथ ही बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा नीचे देखें, थोड़ा सा नजरें झुकाएं तो लाल कलर का बटन जो है ना उसको प्रेस करके आप लोगों ने ब्लैक करना है, बस सिंपल सा काम है, ठीक है जी। तो अब ये हो गया ठंडा और मैं खाती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, जो कि जल बल रहा है, तो मैंने वाइट सा कुछ बना लिया है, पक्के ब्राउन हो गया लेकिन है ये वाइट ही। मेरी कैफियत का ना कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है, इतनी ज़्यादा कि आप लोग सोच नहीं सकते। और ये मैंने बनाया है वाइट चिकन, जो कि पहली बार ज़िंदगी में पहली बार मैंने बनाया है, क्योंकि जाहिर बात है वाइट चैलेंज है, तो मैं ट्राई करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार ये बनाया है वाइट चिकन। मुझे नहीं पता कैसा बना है, बट बन सकती हूँ। काफी बहुत टेस्टी बनाओगी, पहली बार बनाया बट अच्छा बने। मैं अपनी तारीफ जितनी करूँ ना उतनी कम है, क्योंकि मैंने बहुत मजे का बनाया, ठीक है जी। तो मेरा लंच हो गया कंप्लीट, अब पता नहीं नेक्स्ट मैं वाइट क्या खाती हूँ, और टाइम हो रहा है, इस टाइम 2 बजे का टाइम है, देखता है। अरे जाओ ना। हाँ जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा वाइट चिकन तो बहुत मज़े का बना, और इतनी सिंपल रेसिपी है, मैंने पहली बार ट्राई किया। अदरक लहसुन चाहिए, चिकन चाहिए और क्रीम चाहिए। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम डालना लाजमी है, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं आएगा। और साथ आपको चाहिए क्या कहते हैं, वाइट पेपर, यानी कि वाइट मिर्च और सॉल्ट, बस इतनी सा। और बहुत मज़े का बना था। अब पता नहीं मैं नेक्स्ट क्या खाऊंगी, 4-5 के करीब कुछ स्नैक्स में वाइट कुछ ट्राई करूँगी, कुछ मिल जाए तो फिर खा। मुझे ना खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत है, लेकिन वाइट ऐसा कुछ मीठा था ही नहीं। अब मेरे पास ये फ्रेशअप पड़ी हुई है, जो कि वाइट में है,
मैं यही खा लेती हूँ, वैसे तो मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ, लेकिन ये वाइट में ये फ्रेशअप हो जाएगी। मामा कुल्फी लाई थी पर वो वाइट नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं खाई। यकीन नहीं आता अरसलान से। अरसलान मैंने कुल्फी खाई है कोई? नहीं खाई। हाँ बोल के कह दो ना, फिर तुम्हारी तरफ कैमरा करना पड़ेगा मुझे, बोल दो। नहीं। गुड। मतलब मैंने कुल्फी नहीं खाई क्योंकि वो वाइट थी नहीं। तो हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं? 5 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं खाने लगी हूँ वाइट स्नैक्स, यानी कि वाइट पॉपर। फिश टेस्ट के होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, तो खाते हैं। हाँ जी, तो मैंने ये अपने स्नैक्स में ये वाले पापड़ हर, वैसे कुरकुरे भी थे पर ऑब्वियसली वाइट चैलेंज है तो वाइट कुछ खाना था, तो ये मैंने खा ली है। एक आध बज के ये भी खा लेती हूँ और जो है ना, अब देखते हैं कि डिनर में क्या खाऊंगी। डिनर में वाइट क्या खाऊंगी? घर में तो कुछ ऐसा वाइट बना हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चैलेंज कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कि डिनर में क्या खाते हैं, मतलब मैं खाऊंगी, आप लोग देखेंगे ना। जैक को पसंद आएगा, जैक को पसंद आएगा, जैक को मुंह दे, जैक इतनी जोर से हिलोगे ना तो पूरे। बैठो पहले, बैठ जो, बैठ जो, बैठ जो, बैठ जो, बैठ जो, बैठ जो, बैठ जो। गुड गुड, वेरी गुड। खाओगे? वाह भाई वाह, चलो रिव्यू दो। जैक बहुत कमज़ोर हो गया क्योंकि ये पूरा हफ्ता बीमार है। अल्लाह इसको क्या हशर किया हुआ है। जैक रिव्यू दो, कैसा था जैक? अच्छा रिव्यू, भाई रिव्यू आ रहा है। कैसा था? बस ना, ख़त्म हो गया। चुप है। गर्मी क्यों नहीं जा रही मुझे आप लोग बताएं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि गर्मी क्यों नहीं जा रही। टिकटॉक बैन हो गया यार, मैं अभी देख रही थी कि पता चला है टिकटॉक बैन हो गया है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ है। अच्छा छोड़ें, अपने चैलेंज की तरफ चलते हैं। चैलेंज ये है कि यार मैं करने लगी हूँ डिनर और मैं उसमें ये खाने लगी हूँ बहुत ही हैवी सा सैंडविच। ये जो खीरे शीरे हैं मुझे पता है ये ग्रीन है, ये तो वाइट में नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ मैंने डेकोरेशन के लिए रखे हैं, खाने के लिए नहीं रखे। डोंट वरी, सिर्फ आज बस अपना चैलेंज कंप्लीट करना है और सैंडविच खाना है। और सैंडविच जो है ना, पता नहीं कैसा बना है क्योंकि पहली बार बनाया है, क्योंकि मुझे वैसे सैंडविच इतना ज़्यादा पसंद। मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया, मैंने वाइट फूड सारे खा लिए, जो ब्राउन ग्रीन था वो रह गया वो छोड़ दिया। और मुझे इस चैलेंज में ना बहुत मज़ा आया क्योंकि वाइट फूड था पूरे दिन, मैंने वही खाना था, मैंने वही खाया और हेल्दी फूड ही सारा आ गया। और ठीक है जी, तो ये था मेरा वाइट फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, एक अगले चैलेंज में, या देखेंगे मूड के हिसाब से जो ब्लॉग बन गया। ठीक है जी, तो चैनल को बस लाजमी सब्सक्राइब, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।